मनोज ओहलियान हैं, कोच हैं सिफ्ट के पूरी इस इवेंट टीम के, हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। कहा जाता है आप ग्राउंड से जुड़े हुए कोच हैं, ये मुकाम कैसे हासिल हुआ जरा बताइए। ये एक दिन की जर्नी नहीं है निधि जी, एंड ये मेरा अकेले का भी काम नहीं है। मेरे पीछे भी स्पोर्ट्स स्टाफ है, स्पोर्ट्स स्टाफ की टीम है, पीछे से काफी स्पोर्ट्स है, गवर्नमेंट की काफी सपोर्ट हमें मिली है, साइक से, टॉप्स डिवीजन से, एंड अफकोर्स फेडरेशन से। तो उन सबने मिलकर सपोर्ट किया एथलीट्स को, वोमेन को, 50 मीटर के एथलीट्स को। तो धीरे धीरे हम इसमें चेंजेस लेते आए। हम पहले 50 मीटर में डोमिनेट नहीं करते थे, वर्ल्ड लेवल पे एयर राइफल एयर इवेंट्स हमारा काफी स्ट्रांग रहा काफी दिनों से। आपको पता है अभिनव ने, गगन ने एयर इवेंट्स में मेडल जीते हैं 50 मीटर से, वो अचीवमेंट्स हासिल नहीं कर पाए थे जो आज वुमेन्स ने अचीवमेंट हासिल किया है। तो धीरे धीरे चेंजेस किया है शूटर्स के प्रोसीजर्स में, शूटर्स की टेक्निक में, अप्रोच में, ओवरऑल कैसे जोन में रखना है आपको कॉम्पिटिशन के टाइम पे, फाइनल के टाइम पे, इन सब पे धीरे धीरे काम किया है। धीरे धीरे शूटर्स अपना प्रोसीजर फॉलो करने लगे हैं, तो मेडल की बजाय हमने प्रोसीजर पे ज्यादा फोकस किया है शूटर्स के साथ, तो आई होप उसी का रिजल्ट है। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात आप कह रहे हैं कि मेडल्स की जगह प्रोसीजर पर जोर रहा है। तो अगर आम दर्शक भारतीय समझना चाहे किस तरह के बदलाव होते हैं या देश में और जो हमारे संस्थान है वो फॉलो करना चाहे, क्या बदलाव आपने किए? शूटिंग के हिसाब से एक्चुअली फील्ड पे ही काम होता है। पहले सबसे पहले शूटर का हम पोस्चर देखते हैं, उसका बैलेंस चेक करते हैं, वो बैलेंस में है, बैलेंस अगर कर रहा है तो लाइक अपनी मसल्स यूज तो नहीं कर रहा है बैलेंस मेंटेन करते हुए। एंड देन उसके बाद उसका प्रिपरेशन टाइम कितना ले रहा है एक शॉट को प्रिपेयर करने के लिए, एंड देन एग्जीक्यूशन में कितना टाइम ले रहा है, कितना लंबा वो होल्ड कर रहा है अपने ब्रीथ को। हम बहुत से शूटर्स के साथ हमने फेस किया, वो ब्रीथिंग काफी लंबी होल्ड करते थे एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो उसको कट डाउन किया विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ, स्पोर्ट्स साइंस टीम। तो उसमें काफी सफलता मिली है हमें, शूटर्स का जो रिजल्ट है काफी अच्छा देखने को मिला है टेक्निक के हिसाब से। बिल्कुल, और अंत में आखिरी सवाल यही कि आगे के क्या टारगेट्स हैं, लक्ष्य क्या है अब? अफकोर्स टारगेट तो हमारा ओलंपिक में भी एक अच्छी परफॉर्मेंस रिपीट करने का है। अगेन अगर हम अपना प्रोसीजर फॉलो कर पाए जैसे हम यहाँ पे कर पा रहे हैं, एंड इस प्रोसीजर को और स्मूथ और अच्छा बना पाए फ्यूचर में, तो डेफिनेटली हम ओलंपिक में भी कुछ इसी तरह की परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो मेन मुकाम तो ओलंपिक है, लेकिन रिसेंटली अब हमारे पास सामने नेक्स्ट मंथ ही एशियन चैंपियनशिप है। 50 मीटर से हमारे पास 3 ओलंपिक कोटा है, तो हमें एक और ओलंपिक कोटा चाहिए, हम मैक्सिमम 4 ही जीत सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ओलंपिक कोटा लिए, सिफ्ट ने काफी अच्छा किया वहां पे, अखिल है लड़का उसने बहुत अच्छा किया वहां पे, एंड उससे पहले स्वप्निल ने ओलंपिक कोटा जीत चुका है लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप से। तो अब की बार जो हमने कोटा प्लेस जीते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप से जीते हैं आउट ऑफ 4-4। एक होपफुली मेरे को उम्मीद है आने वाली एशियन चैंपियनशिप में हम कंप्लीट कर पाए, उसके बाद जो प्रिपरेशन होगा वो पूरा ओलंपिक को ध्यान में रख के ही होगा। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद कि इस तरह से आप लोग गोल्ड मेडल जीतते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी।